टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है? टोपोलॉजी मींस अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सो दैट वी कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस, कि आपने कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज किया है। दैट मींस कि बिटवीन कंप्यूटर किस टाइप का कनेक्शन है, वो किस फॉर्म में है। वो लाइन की फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है, स्टार की फॉर्म में है, ट्री की फॉर्म में है, या मैश की फॉर्म में है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। नंबर वन मैश, सेकंड स्टार, थर्ड बस, फोर्थ रिंग, एंड लास्ट ट्री एंड हाइब्रिड। इन यस्टरडे बट यू कैन सी की फॉर्म में होती है रिंग। ये आपकी रिंग की फॉर्म में होती है, सर्किल की फॉर्म में होती है। जो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर एक नोड के आसपास में दो कनेक्शन होंगे, एक राइट हैंड साइड, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड। तीसरा है स्टार। स्टार में आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हब होता है। इसमें मिडिल पार्ट हब होता है सेंटर में, और बाकी सभी सिस्टम जो हैं एक वायर के थ्रू हब से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड स्टार। एक्सटेंडेड स्टार का मतलब यह है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं विद इन टू और थ्री हब और ऐड करने के बाद। हायरार्किकल, हायरार्किकल से मतलब होता है कि ये ट्री की फॉर्म में है, एक हायरार्की बन गई, यानी एक रूट है, रूट के फिर चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के फिर चाइल्ड होंगे। दैट मीन्स कि जैसे कि चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट रिलेशन टाइप में होती है हायरार्किकल। और लास्ट है मैश। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि इसमें एक सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से कनेक्ट होगा। जैसे आप देखिए रिंग की फॉर्म, देखिए आप रिंग की फॉर्म में क्या है कि एक सिस्टम केवल दो सिस्टम से कनेक्ट है, या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन मैश में क्या है, एक सिस्टम सभी सिस्टम से कनेक्ट है। अगर आप स्टार देखेंगे तो स्टार में कोई भी सिस्टम किसी से कनेक्ट नहीं है, एक सिस्टम केवल हब से कनेक्ट है। अगर उसे कोई भी मैसेज भेजना है तो हब इज द सेंटर कंट्रोलर। ओके, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज मैश टोपोलॉजी। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी, सर, जो इसमें एक्सटेंडेड स्टार है सर, इसमें हब कितने होंगे सर? वो आपकी सहूलियत पर है। वो इसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है क्या? हाँ जी, क्योंकि टिपिकली क्या होता है, एक हब में मैक्सिमम 12 तक पोर्ट होते हैं, 4 से 12 तक का आता है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कितने सिस्टम कनेक्ट करने हैं। सर आपकी जी जगह पे स्विच भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना जी सर? हब के स्थान पे स्विच का इस्तेमाल हो सकता है ना? स्विच तो दूसरी चीज हो गई ना। स्विच तो डेटा लिंक लेयर में यूज होता है, हब फिजिकल लेयर में यूज होता है, स्विच डेटा लिंक लेयर में होता है। हब जो होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट है, जबकि स्विच जो है ना वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों फीचर रखता है। स्विच तो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, जबकि हब एक पैसिव डिवाइस है। ये केवल ब्रॉडकास्ट कर सकती है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए चीप होती है, कॉस्टली नहीं होती है। एनी अदर क्वेश्चन? सर वन सर जी हब बताइए। को हम डायरेक्टली हब से कनेक्ट कर सकते हैं सर? मतलब सीरीज वाइज हब टू हब? उसमें जी, लिंक होता है, जैसे कि आप जैसे लैन से लैन कनेक्ट करते हैं राउटर के थ्रू, ऐसे ही आप क्या करेंगे ना कि एक कनेक्शन जो है, जैसे एक हफ्ते 12 हैं, अब आपको 12 कंप्यूटर और कनेक्ट करने हैं, तो जाहिर ही है ना कि आपको एक हब और कनेक्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। यस सर, ओके, तो यस फिर 24 सिस्टम हो जाएंगे, थर्ड हब से आपके 36 सिस्टम हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी
ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। देखिए ये है मैश टोपोलॉजी लास्ट में। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, देर आर फाइव कंप्यूटर्स एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर। इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। वेन वी से डेडिकेटेड, अब डेडिकेटेड का मतलब क्या है, डेडिकेटेड का मतलब यह है कि जो भी डेटा कैरी होगा वो केवल दो डिवाइस के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा ब्रॉडकास्ट हो गया अब वो हर डिवाइस के पास पहुंच। लेट्स से वी हैव एन डिवाइस इन द नेटवर्क, देन ईच डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड विद एन माइनस डिवाइस। अगर सिस्टम के अंदर पांच डिवाइस हैं तो वो बाकी चार से कनेक्ट होंगी, अगर 10 डिवाइस हैं तो वो नो डिवाइस से कनेक्टेड होंगी, अगर एन डिवाइस हैं तो जनरली वो एन माइनस वन डिवाइस से कनेक्टेड होंगी, और इसका है एन एन माइनस, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स विल बी एन एन माइनस वन बाई टू। इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैश टोपोलॉजी को ध्यान से पढ़ लीजिए, और ये पीपीटी में आज अपलोड कर रहा हूँ, आपके लेक्चर के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, नो डेटा ट्रैफिक इशू एज देयर इज ए डेटा डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइस। तो यहाँ पर क्या है ना कि कोलिजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोलिजन से मतलब होता है कि डेटा कहीं फंस गया, या ऐसा हुआ कि पांच डिवाइस ने एक साथ डेटा भेजा तो कोलिजन हो गया। क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है इसलिए कोलिजन की प्रॉब्लम नहीं है। नो डेटा ट्रैफिक इशूज एज देयर बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। दैट मीन्स द लिंक इज ओनली अवेलेबल टू डिवाइसेस। दिस टोपोलॉजी इज रिलायबल रोबस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ वन लिंक डजेंट अफेक्ट द अदर लिंक एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। अगर एक लिंक फेल हो गया तब भी आपके पास में इतनी वायर हैं कि घूम फिर के मैसेज आपके पास आ जाएगा। मैश टोपोलॉजी इज सिक्योर बिकॉज देयर इज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक सो दैट अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नॉट पॉसिबल एंड फॉल्ट डिटेक्शन इज वेरी इजी। तो अब हमको यहाँ चार चीज़ें मिली, पहला मिला कि ट्रैफिक इशू नहीं होगा, दूसरा मिला कि इट इज़ रिलायबल एंड रोबस्ट, तीसरा इट इज़ सिक्योर एंड अनऑथोराइज एक्सेस इज नॉट पॉसिबल, और लास्ट है फॉल्ट डिटेक्शन इज वेरी इजी। सर इसमें यूनिडायरेक्शनल होगा या मल्टी डायरेक्शनल होगा सर इसमें डेटा फ्लो? इसमें तो फुल ये यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल का इशू ही नहीं है ये तो, चूंकि यहाँ पर आप दोनों भेज सकते हैं डेटा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक ही तरफ से, मल्टी का मतलब होता है कई तरफ से, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जितने भी सिस्टम आपने सबको भेज दिया। तो यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है दो के बीच में, अब वो दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है जी सर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि कोलिजन नहीं होगा, तो अगर इधर से डेटा हम भेज रहे हैं एक पोर्ट में और फिर उधर से भी जो रिसीवर है वो भी सेंड कर रहा है, तो बीच में कोलिजन का तो स्थिति आ ही रहा है। कोलिजन्स जो है वो जनरली जो होता है ना वो बस बस टोपोलॉजी में ज्यादा होता है, बाकी अभी तक जो है मैश टोपोलॉजी में ये सिचुएशंस अराइज, मतलब कि हम लोग ऐसा है कि अगर बहुत मिनिमम है तो हम लोग ये कह देते हैं कि इट विल बी नेवर। पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो है अगर ये पांच है तो पांच का मतलब पांच सिस्टम है, तो पांच सिस्टम का मतलब है कि 10 वायर हैं, तो 10 वायर और अगर पांच सिस्टम है तो स्टार में केवल पांच ही वायर हैं। तो जनरली यहाँ पर चांस जो है ना वो बहुत मिनिमम है, वो तब है जब कोई फेलियर अगर हो जाए। कोलिजन कब होता है, कोलिजन तब होता है कि जब 10 सिस्टम कनेक्ट हैं और 10 के 10 ने एक साथ मैसेज भेज दिया, लेकिन यहाँ तो दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन है।
ओके सर, ठीक है। सेकेंड है डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड ईच सिस्टम इज टेडियस एंड हेडेक सिंस ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड विद अदर डिवाइस, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड मस्ट बी ह्यूज। अब देखिए, जब हर 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 एक डिवाइस के लिए एक इनपुट आउटपुट पोर्ट है यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला आपसे कि स्टार में क्या है कि स्टार में तो केवल एक हबी खेल रहा है सब कुछ, यहाँ पर तो हर किसी के पास में अपना पोर्ट है इनपुट आउटपुट। इसके स्केलेबिलिटी इशू बिकॉज ए डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस विद ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब यहाँ पर एक स्केलेबिलिटी इशू आ गया। स्केलेबिलिटी से मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम है, अगर हम इसी को 100 सिस्टम से कनेक्ट करना चाहें तो आपको कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए, 99 ही आपको वायर चाहिए एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, तो स्केलेबिलिटी इशू है। लेकिन इट इज सिक्योर, और आपको अपने जवाब सेकंड पॉइंट से मिल गया होगा जो मैंने कोलिजन वाली बात बोली थी कि हर एक के पास में अपना इनपुट आउटपुट पोर्ट है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। अनलाइक मैश टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी डजंट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये एक अंतर है। अगर ये आता है कि मैश टोपोलॉजी में और स्टार टोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैश टोपोलॉजी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है दो डिवाइस के बीच में, जबकि स्टार टोपोलॉजी में दो डिवाइस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। इफ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अदर डिवाइस इट हैज टू फर्स्ट सेंड द डेटा टू द हब एंड देन द हब ट्रांसमिट दैट डेटा टू द डेजिग्नेटेड डिवाइस। हब इज द मीडिएटर इन स्टार्टअप। अब हब क्या है? हब एक फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस है विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन ए नेटवर्क। दे आर जनरली हब लोकल या नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ए हब हैज मैनी पोर्ट इन इट। अब जितने भी पोर्ट हैं वो हब के अंदर होते हैं। एक कंप्यूटर which intends to be connected to the network is plugged to one of those. When a frame arrives at a port, it is broadcast to every other port without considering कि इसका destination कहाँ पर है, इसको कहाँ भेजना है। जैसे ही एक डिवाइस ने मैसेज जनरेट किया, उसने वो सबको भेज दिया without knowing that कि who is the destination। ये है, हब के पास एक मैसेज आया और उसने सबको भेज दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये हब के फीचर हैं। स्विच का मैं अब आपको डिस्कस नहीं करूंगा, जब बाद में आएगा तब कर लेंगे। हब ऑपरेट इन द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इट इज नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड मैसेज टू ऑल पोर्ट। इट प्राइमरीली ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये हब डुप्लेक्स वर्क करता है। ये भी एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि हब ट्रांसमिट द ट्रांसमिशन इन हब इज हब डुप्लेक्स, जबकि स्विच वाले केस में क्या है, फुल डुप्लेक्स है। कोलिजन में अकर, जो मैंने आपको कोलिजन वाली बात बोल ली थी, यहाँ पर कोलिजन अकर होगा। कोलिजन में अकर ड्यूरिंग सेटअप ऑफ ट्रांसमिशन वेयर मोर देन वन कंप्यूटर प्लेस डेटा साइमेंटेनियसली इन दी कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट्स। क्योंकि क्या किया, अगर सबने मैसेज भेज दिया तो ये फिर सभी को भेजेगा, तो कोलिजन होगा। कोलिजन कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को पता लगा कि 10 ने मैसेज भेजा, 6 ने भेजा या 3 ने भेजा और उसने सबको भेजा और उधर से 3 और मैसेज भेज रहे थे, जो आपका सवाल मैश टोपोलॉजी है। दे आर पैसिव डिवाइस, दे डोंट हैव एनी सॉफ्ट associated with it. It is a passive device or generally have fewer ports of 4 से 12 meaning है और maximum 12 होता है, जो ये जब तक किताब लिखी हुई है। आजकल कितने आ रहे हैं नेट पर देख लेंगे। Advantage of star topology. Less
less less expensive because each device only need one input output port and needs to be connected with one link. Easier to install. Less amount of cable required to be connected with the hub only. It is robust. If one link fails, other links will work just fine. देखिए mesh topology में क्या था कि अगर एक link fail हो गया पूरी तरह से disconnected नहीं था, लेकिन star topology में अगर एक link fail हो गया तो वो computer बाहर हो जाएगा, बाकी सब काम करते रहेंगे. लास्ट है ईजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज द लिंक कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इफ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन. अगर हब फेल हो गया देन एवरीथिंग फेल हो गया, हब की वर्किंग खत्म, पूरी स्टार टोपोलॉजी की वर्किंग खत्म. Hub requires more resource and regular maintenance because it is the central system of star topology. Next is bus topology. In bus topology, there is a main cable and all the devices are connected to this main cable through drop line. देखिए फिगर में ये जो मेन केबल है जी, आप देख रहे होंगे फर्स्ट फिगर, इसको बैकबोन बोलते हैं. दिस मेन केबल, दिस स्ट्रेट केबल इज, इसका जो एग्जांपल है वो इथरनेट. इथरनेट इज द एग्जांपल, इज एन एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी. There is a device called tap that connects the drop line to the main cable. Since all the data is transmitted over the main cable, there is a limit of drop lines and the distance a main cable can have. Advantages hai easy installation. Each cable needs to be connected with backbone cable. सर वो पीछे समझ नहीं आया. रिक्वायर्ड देन मेश एंड स्टार टोपोलॉजी. सर वो पीछे वाला पॉइंट समझ नहीं आया, टैप वाला, ए डिवाइस कॉल्ड टैप. बेसिकली ये क्या, ये देखिए, ये इस फिगर को देखिए, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं हम बैकबोन, और ये आपकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट बस पर. और इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया इथरनेट, ये है टैप. अब मुझे लगता है आपका क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा. ये टैप है और ये ड्रॉप लाइन है, इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं सिस्टम. टैप इज ए डिवाइस और दिस इज ड्रॉप लाइन. सर ये इथरनेट केबल है ना? हाँ, मैंने आपको बताया नहीं था कि इथरनेट इज एज एन एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजी. यस सर, बताया था, पर ये इथरनेट में कभी देखा नहीं सर कि कौन सा टैप डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए. अब हम लोग तो क्या होता है कि हम ये समझ, ये मान के चलते हैं कि आप बीसीए करके आए हैं. यस सर. नो सर, सर बीएससी भी किया हुआ है सर. चलिए नेक्स्ट चलें अब जी. यस यस सर, नेक्स्ट सर, समझ में आ गया. नेक्स्ट चलें. ओके एडवांटेज है इंस्टॉलेशन, केबल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद required then mesh and star topology. लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी है फॉल्ट डिटेक्शन की.
इसकी स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक लिमिट होती है कि इतने नंबर ऑफ नोड्स ही कनेक्ट हो पाएंगी एक बैकबोन केबल पर, आप उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। हेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ टू डिवाइस ऑन आइदर साइड ऑफ इट, या तो लेफ्ट हैंड में होगी या राइट हैंड में होगी। देर आर टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ए डिवाइस हैज विद द डिवाइस ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। द स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ ए रिंग, थस इट इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि एक सर्किल की फॉर्म में होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम रिंग टोपोलॉजी है। अगर कोई भी डिवाइस डेटा भेजना चाहती है अदर डिवाइस को, तो वो एक ही डायरेक्शन में भेज सकती है। और यहाँ पर और इस डिवाइस के अंदर एक रिपीटर होता है। रिपीटर मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, जैसे से किया हो। रिपीटर का मतलब होता है कि जैसे सिग्नल वीक पड़ने लगे, सिग्नल को रिबूस्ट करता है। इधर रिसीव्ड डेटा इज इंटेंडेड फॉर डिवाइस अंटिल द इंटेंडेड डिवाइस रिसीव इट। सर, ये रिंग रिपीटर काम टोपोलॉजी कैसे के करता है बेनिफिट्स सर? हैं कौन? रिपीटर सर? रिपीटर जो है ना, कुछ कुछ दूरी पर लगे होते हैं और वो सिग्नल को बूस्टअप करते हैं। जैसे देखिए, मैं एक मूवी का आपको एग्जांपल दूंगा। आपने गजनी मूवी देखी होगी। गजनी मूवी में क्या होता है ना कि 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद में या 2 घंटे बाद में जब हीरो की मेमोरी लॉस होने लगती है, तो वो उसको बार बार लिखता है कि जिससे वो भूल ना जाए। तो सेम ऐसे क्या होता है ना कि वायर में कुछ दूर जाने कुछ सिग्नल ट्रेवल करने के बाद में वीक पड़ता है, तो वहाँ एक रिपीटर लगाया जाता है जिससे कि वो सिग्नल्स को दोबारा से बूस्ट कर दे और डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। ये रिपीटर का काम है, यानी रिपीटिशन करना किसी चीज़ का। और बाकी एक काम करना ना, आप लोग रिपीटर, ब्रिज, राउटर, हब, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं कि इनको पढ़ो। ये एक काम करेंगे, हम एक दिन अपना एक लेक्चर इसी के ऊपर रख लेंगे। अब चूंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो इसलिए मैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इसको भी, ठीक है? रिपीटर के बारे में बता देंगे आपको। आज ये वाला लेक्चर ओके कंप्लीट सर। कर लेते हैं पहले। यस सर, यस। ओके। एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इट इज इजी टू इंस्टॉल, मैनेजिंग इज इजियर एज टू ऐड और रिमूव ए डिवाइस फ्रॉम, ओनली टू लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ए लिंक फेलियर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क एज द सिग्नल्स विल नॉट ट्रेवल फॉरवर्ड ड्यू टू द फेलियर। अगर आपकी चैन खत्म हो गई, चैन कहीं से भी टूट गई, तो फिर साइकिल नहीं चलेगी। डेटा ट्रैफिक इशूज, सिंस ओवर इज सर्कुलेटिंग इन ए रिंग। अब लास्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। है कि किन्हीं भी दो टोपोलॉजी को ट करने के बाद मिंगल आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी तैयार होती है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड ए मैश टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, वी कैन चूज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, स्केलेबिलिटी इज अवर, वी कैन यूज स्टार टोपोलॉजी इनिशियल। हम हाइब्रिड क्यों करते हैं? हम हाइब्रिड इसलिए करते हैं कि मैश टोपोलॉजी को एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायर बहुत लगेगी। अकेले स्टार टोपोलॉजी भी लेंगे तो कोलिजन की प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर अब हमको सिक्योरिटी इशू चाहिए, अब सिक्योरिटी इशू कहाँ पर है? अरे, ऑफिशियल फाइल है आपकी, तो वहाँ पर हमने मैश टोपोलॉजी इंस्टॉल कर दी। और जहाँ पर केवल हमको सर्फिंग करनी है, इंटरनेट देखना है, न्यूज़ पढ़नी है, वहाँ पर हम लोग स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं।
तो इस तरह से हम हाइब्रिड करते हैं कि हमारी कॉस्ट सेविंग भी हो जाए और स्केलेबिलिटी भी हो जाए, यानी एक्सटेंशन भी हो जाए। कोई इसी का कोई क्वेश्चन? जी, आगे चलें। ओके, यस सर। डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट, इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट और डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, सो मेंटेनेंस इज हाई दस एक्सपेंसिव। ये तीन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फॉल्ट की प्रॉब्लम होगी, इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम होगी। डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है, होता है। डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, सो मेंटेनेंस इज हाई। ये लास्ट स्लाइड है आज की। अगर हम मनी की फॉर्म में देखें तो बस टोपोलॉजी में बी द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंस्टॉल ए नेटवर्क। अगर लेंथ की फॉर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा लेंथ लगती है आपकी मैश टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी बेटर है उसके लिए। फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्टार टोपोलॉजी बेटर है, क्योंकि एक्सपेंडिंग ए नेटवर्क इज इजीली डन बाय एडिंग अनदर डिवाइस। केबल टाइप में ट्विस्टेड पेयर सबसे सस्ती होती है, ऑप्टिकल फाइबर सबसे महंगी होती है। लैन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ट्विस्ट वो 10 MB से 10 GBPS तक आपको लैन में मिल जाती है। तो सर कॉस्टली एक बार केबल थी, टाइप केबल केबल पढ़ा दीजिएगा। से बेटर नहीं आ रहा आवाज सर। जी। बोलिए सर मैं बोल रहा था कि विक्रम प्रताप, केबल आप भी टाइप एक बार बताइए। सर मैं बोल रहा था केबल टाइप एक बार बता दीजिएगा कितने प्रकार का केबल होता है। हाँ, केबल टाइप डिस्कस करेंगे हम। मैंने जो है ना आपको मेल किया है, सुनिए, मैंने आपको जो मेल किया है ना उसमें ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स तीनों की ही और तीनों के बारे में लिखवा दिया। हम भी उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें भेज चुका हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो अनी? सर। ओके, अभिषेक आप पूछेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप केवल 6 लोग हैं और ये कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में प्रॉपर हो पा रहा है। अदरवाइज जब यस सर। 60 बच्चों की तो भी नहीं जान पाते एक दूसरे का। श्रेय सिंह, श्रेय अग्रवाल, यस सर। श्योर। जी, तो कल हम लोग आपका टेस्ट लेंगे और बाकी, और आप इसमें नया टॉपिक कल शुरू करते हैं और स्विच के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, इसे ये देख सकते हैं आप स्विच और हम में क्या डिफरेंस होता है। सर ये पीपीटी अपलोड कर दीजिएगा। मैंने कर दिया है, मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, आप 2 मिनट देख लीजिए इसको। यस सर। मैं आज PDF इसकी अपलोड कर रहा हूँ, 4 बजे ओके मिल जाएगी आपको। ओके सर।